गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। यू कैन जज मी मेरे लुक पे। मेरा बाहर आने का बिल्कुल प्लान नहीं था। मैंने बालों में ऑयलिंग करी थी और सोने का प्लान था लंबा, क्योंकि आज मेरा वीक ऑफ है, और बालों में शैम्पू करना था एंड यही सब नॉर्मल प्लान थे मेरे। बट आज है वट सावित्री की पूजा, और जब मैं सो के उठी तो मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब जाऊँगी मम्मी के साथ और वीडियो बनाऊँगी। एंड आई एम हेयर नाउ। वो अलग बात है कि मैं काफ़ी अजीब लग रही हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट। मेरा मम्मी का पूरा लुक, ग्रीन चूड़ी, ग्रीन साड़ी, पीछे काफ़ी गंदा बैकग्राउंड आया, पर कोई बात नहीं। मेरे घर पे बचपन से ही मैंने देखा है बहुत सारी पूजा, छोटे फेस्टिवल्स, बड़े फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, तो मुझे बेसिकली इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मुझे इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता होती है, बट आई रियली इन्जॉय द होल प्रोसेस, वॉचिंग थिंग्स इफ़ पॉसिबल, डूइंग सर्टन थिंग्स। वट सावित्री की पूजा बेसिकली मैरिड औरतें करती हैं। कुछ लोग फास्ट रखते हैं कम्प्लीटली, कुछ लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, जैसा कि मुझे मम्मी ने बताया। दे कीप दिस फॉर देयर हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ, अगर मैं गलत नहीं बता रही हूँ तो। आई थिंक गूगल वुड बी मोर बेटर ऑप्शन टू नो द डिटेल्स, बट येस आई डू एन्जॉय ऑल ऑफ दिस। मुझे नहीं पता ये सब करने में मुझे मज़ा आएगी या नहीं, बट देखने में बड़ा मज़ा आता है। सिल्की रिसीव्ड हर ऑफर लेटर फ्रॉम TCS। शी हैज़ अप्लाइड फॉर TCS BPS प्रोफाइल। शी इज़ स्टिल इन हर कॉलेज, उसका फाइनल ईयर हुआ नहीं है, बट शी गॉट अ जॉब ऑफर एंड शी वॉज रियली रियली वेरी हैप्पी। वी ऑल वेर रियली हैप्पी फॉर हर। इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ हर प्रोफेशनल लाइफ एंड फर्स्ट जॉब ऑब्वियसली मीन्स अ लॉट, सो वी हैड अ स्मॉल सेलिब्रेशन। बैक टू टुडे। सिल्की आपको कैसे लग रहा है? नहीं बता। काफ़ी शर्माते हुए सिल्की ने कहा उसे नहीं बताना है, बट शी इज़ वेरी एक्साइटेड। मैं आपको भी बता दूँ, हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर, और मैं अपना ये लुक चेंज करना चाहूँगी, तो मुझे नहाना घर जाके और बाहर आके अच्छा लगता है यार। होपफुली जल्दी ये कोविड वगैरह सही हो जाए, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत लंबा टाइम हो गया। खैर, आई एम डन विद माय शावर, और अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मुझे कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। मेरा वीक ऑफ भी वीक ऑफ की तरह जाता नहीं है, बिकॉज़ मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, बताऊंगी बाद में। बट तो अभी जाते हैं, नाश्ता करते हैं एंड देन पढ़ाई में लग जाते हैं। बाय।
मुझे ना घर पे कभी भी कोई सही एंगल मिलता ही नहीं है, कहीं पे लाइट कम होती है, कहीं पीछे कपड़े लटक रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इशू रहता है। एनीवेज, दोपहर को जनरली पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी पे गाना चला के थोड़ी देर डांस वांस कर रही होती हूँ, गाने सुन रही होती हूँ। टीवी पे गाना सुनने का मुझे अलग ही क्रेज़ है, पता नहीं क्यों, मुझे बचपन से ही टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मुझे टाइम नहीं मिलता है एंड समहाउ उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट टीवी पे गाना लगा के डांस करना या गाना सुनना मुझे बहुत मज़ा आता है। यूजुअली आई डू दैट फॉर सम टाइम एंड देन अब मैं जा रही हूँ छत पे थोड़ी वॉक करने, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर रही आजकल, कुछ नहीं कर रही। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, लेकिन अभी आई विल गो वॉक फॉर अराउंड 1 hour 45 minutes, आई बी बैक एंड देन आई हैव टू स्टडी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही मिस मैनेज रहती है। ऑल्सो लेजीनेस, दैट्स अ बिग इशू, कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, मैं कल छत पे से वॉक करके आने के बाद डिनर करके सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड अभी इट्स नेक्स्ट डे, दोपहर है एंड सब इस टाइम पे अपने अपने रूम में चिल कर रहे होते हैं, फ़ोन चला रहे होते हैं, कुछ लोग सो जाते हैं एंड मैं यहाँ बैठ के अपनी बहन की हेल्प कर रही हूँ उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने में जो कि उसकी कंपनी से आए हैं। सो आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर एंड आई विल बी बैक विद अनदर व्लॉग होपफुली सून, क्योंकि ऑनेस्टली कुछ होता ही नहीं है आजकल व्लॉग करने को, तो आई ट्राई टू व्लॉग समथिंग एंड आई विल बी बैक। बाय।